हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैंकर बडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका बैंकर बडी यूट्यूब चैनल पे। जब थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, एसबीआई क्लर्क 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो डिले हो गया फर्दर नोटिस के लिए। ठीक है, तो अब थंबनेल में ये भी देख रहे हैं एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है कोविड 19 पेंडेमिक को देखते हुए जो है एग्जामिनेशन जो है वो आपका स्केड्यूल जो था उसको है डिफर्ड होगा फर्दर नोटिस, मतलब जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक के लिए आपका ये फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ ही सवाल उठता है कि आप करें क्या। बहुत लोगों डिले अपने स्टडीज में क्या करेंगे कि ढिलाई दे देंगे, तो मैं आप लोगों को एक बात ये क्लियरली बता दूं कि जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस जोश के साथ आप लोग अब तक पढ़ाई करते आ रहे थे, दिल में 2-3 मॉक दे रहे थे, फुल प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ नेक्स्ट कुछ दिनों में मेरा एग्जाम होने वाला है, वही जो इंटेंसिटी है अपना स्टडीज का, वही जो जोश है अपना स्टडीज का वो बनाए रखे, उसको कम पढ़ने मत दे। आप ये बात सोचिए इस टाइम पे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा भी ढिलाई दे देगा कि हाँ, बहुत लोग होंगे ऐसे कि अच्छा चलो थोड़ा सा काज कम करते हैं क्योंकि अभी तो फिलहाल टाइम है, ये सोच के जो लोग ढिलाई दे देंगे उनसे आप आगे रहेंगे, हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे क्योंकि आप फुल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अब और एक बात और ये बता दूं कि अभी आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आएंगे, आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्ट डेट विथ प्रूफ कि टीसीएस का सेंटर बुक हो गया, अगला एग्जाम इसी तारीख को होने वाला है, ये वो फलाना, मतलब बहुत सारा फेक न्यूज बस, तो वो सब में एकदम ध्यान मत दे। ज्यादा यूट्यूब का वीडियोस ना देखे एग्जाम डेट रिलेटेड, मैं अपने थंबनेल में दिया है एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, एक्चुअली किसी को ये पता नहीं होता है, बट वो अपने थोड़ा सा यूट्यूब में फालतू के वीडियोस बनाते रहते हैं कि दिखाने के लिए कि ये देखो प्रूफ है ये, क्योंकि वो एसबीआई में काम करते हैं तो बता देते हैं कि हाँ ये प्रूफ है, देखो मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरे एक वो सोर्स ने कहा है कि टीसीएस का सेंटर बुक हो गया, ये हो गया वो हो गया, सब फालतू का बकवास है। जो लोग ब्रांच में, ठीक है, ऑफिस लेवल पे काम करते हैं उनको रिक्रूटमेंट के लिए कुछ पता नहीं होता है, रिक्रूटमेंट सेल पूरा अलग होता है, एचआर डिपार्टमेंट पूरा अलग होता है, वही सब देखता है, तो किसी के पास ये प्रूफ नहीं होता है, कोई नहीं बता सकता है कि कब होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक का बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कब होने वाला है एग्जाम, कब रिक्रूटमेंट होने वाला है, मैं उनको सीधा बताता हूं कि मुझे नहीं पता, जो नहीं पता तो नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलता ये सब के बारे में। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि हाँ इस तरीके से लास्ट ईयर हुआ था, पेंडेमिक है तो उसके देखते हुए आगे तो टाइम लगेगा और हो सकता है इस महीने हो, बट मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता। तो वो सब वीडियोस आप मत देखे, अपने स्टडीज में फोकस कीजिए, फुल फोकस से पढ़िए, जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे अभी तक उसी को कंटिन्यू कीजिए, हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे उस स्टूडेंट से जो कि इस समय अपने स्टडीज में ढिलाई कर देंगे। और एसबीआई हमेशा सरप्राइज देता है, और लास्ट ईयर भी दिया था कि अचानक आप देखिए मेंस का रिजल्ट आ गया था और 7 दिन के बाद एग्जाम करवा दिया था, तो उसी तरीके का एसबीआई कभी भी एग्जाम ले सकता है। आप उसी स्टेट ऑफ माइंड से चलिए कि मेरा एग्जाम अगले कुछ दिनों में होने वाला है और उसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आगे भी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूं ताकि आप जो है आपके पास वो इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय बाय, और आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।